नमस्कार बच्चों, मैं सुमेर सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल इंटेलेक्चुअल क्लासेस में। बच्चों, अपना लास्ट वीडियो में अपन चैप्टर 2.1 यूनिट सेकंड स्टार्ट कर दिया था और हमने उसमें डिस्कस किया था यूक्लिड मेथड में हम उसमें कर चुके थे, दो एग्ज़ाम्पल कर चुके थे। तो देखिए, यूक्लिड मेथड के बारे में हम पढ़ रहे थे, और यूक्लिड मेथड क्या होता है, a=bq+r, 0>r<b>, ये एक अपना क्या होता था, यूक्लिड मेथड होता था। फिर हमने क्या करा कि इसमें स्टेप बाय स्टेप क्या करा, किसी भी दो धनात्मक भी जो भी दो पॉजिटिव इंटीजर दिए जाते थे उनका हमने क्या करा, फाइंड आउट करा। उसके बाद अब क्या करना है, उसके बाद पहले तो आप ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि ओड नंबर, एक ओड नंबर बताया था, एक इवन नंबर हमने डिस्कस करा था, एक ओड नंबर और एक इवन नंबर। ओड नंबर में क्या आते हैं, ऐसी संख्याएं जो दो से डिवाइड ना हो, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। उसी प्रकार इवन नंबर में क्या आता था, जो दो से पूरी तरह डिवाइडेबल हो, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। देखिए, मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब हम अब जो अपना चैप्टर नंबर 2.1 है उसके क्वेश्चन करेंगे, तब उसमें अपने जो स्टार्टिंग के जो तीन क्वेश्चन हैं उनमें ये मेथड लगेगा। उनमें क्या कह रहा है कि आपको कोई दो पॉजिटिव इंटीजर ऐसे लेने हैं, क्या लेने हैं, पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर, और वो भी कैसे होने चाहिए, ओड होने चाहिए, वो भी क्या होने चाहिए, विषम धन पूर्णांक। तो देखिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो देखिए, यदि मैं ओड इवन नंबर में ओड नंबर जोड़ूं तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, यदि मैं इवन नंबर यानी कि सम संख्या में विषम संख्या जोड़ूं, ऐड करूं उनका, तो मुझे क्या मिलेगा, दो में यदि आप 3 ऐड कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। और ये 5 क्या है, 5 हैज़ ऑलरेडी ओड नंबर, ऑलरेडी क्या है, ओड नंबर है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आपकी एक्सरसाइज 2.1 में जो स्टार्टिंग के तीन क्वेश्चन है वो करेंगे हम, तो उसमें क्या कह रहा है कि कोई भी दो विषम धन पूर्णांक, कोई भी दो विषम धन पूर्णांक, तो कोई भी दो विषम धन पूर्णांक, जैसे मैंने क्या करा, कोई विषम धन पूर्णांक ले लिया 3, क्या ले लिया, कोई भी सम धन पूर्णांक, क्योंकि सम में ओड नंबर में यानी कि इवन में ओड जोड़ेंगे तो क्या आएगा, विषम आएगा। तो हमें क्या करना है, कोई भी इवन नंबर लेना है, 2 ले लिया, 4 ले लिया। अब इसमें मैं यदि क्या जोड़ूं, 3 जोड़ देता हूं, 5 जोड़ देता हूं, तो मेरे पास इधर क्या बन के आएगा, इधर 5 आएगा, इधर 9 आएगा, और जो ये रिजल्ट आया है ये ऑलरेडी क्या है, ओड नंबर है। तो देखिए, अब हम सीधे चलते हैं आपकी एक्सरसाइज 2.1। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, और अब अपन जो एग्ज़ाम्पल करेंगे, जो भी क्वेश्चन करेंगे, उनसे आपको और भी बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं बच्चों, जब आप मैथ्स का जो ये वीडियो क्लास देखते हो तो आपके पास नोटबुक
और मैथमेटिक्स की बुक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे और उतारोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, दर्शाइए कि एक विषम धन पूर्णांक, दर्शाइए कि एक विषम धन पूर्णांक संख्या का वर्ग एट क्यू प्लस 1 के रूप का होता है, जहां क्यू एक धन पूर्णांक। चलिए मैं लिख देता हूं इधर क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सोल्व दैट टू पॉजिटिव ओड नंबर सोल्व दैट टू पॉजिटिव ओड नंबर आर द रिप्रेजेंट बाय एट क्यू सॉरी आर द स्क्वायर फॉर्म इन एट क्यू प्लस 1 टाइप, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी दो विषम धन पूर्णांक और उनका यदि हम वर्ग करें तो उनका जो रूप है वो एट क्यू प्लस टाइप का होता है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। आपको बोर्ड एग्ज़ाम की जो कॉपी होती है उसमें भी स्टेप बाय स्टेप काम करना है। सबसे पहले क्या करोगे सबसे पहले मानोगे कि वो ऐसे दो विषम धन पूर्णांक कौन से हैं, जो जिनको हम एट क्यू प्लस 1 टाइप में लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने बताया था कि विषम धन पूर्णांक तब प्राप्त होगा जब हम इवन नंबर में ओड नंबर जोड़ते हैं। तो देखिए मैंने माना लेट टू पॉजिटिव नंबर ए इक्वल्स टू 4m+1 एंड ए इक्वल्स टू 4m+3। अब देखिए मैंने ये m यहाँ पे, अब किसी के दिमाग में आया होगा कि सर ये m कहाँ से आ गया, तो बेटा ये m है ये एक वेरिएबल है और ये वेरिएबल इसलिए माना है क्योंकि यहाँ पे जो हमें पूछा गया है उसमें q एक ऐसा वेरिएबल लिया हुआ है। तो अपन क्या करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप यहाँ पे m मानो, मैं ये आप m की जगह x भी मान सकते हो, b भी मान सकते हो, c भी मान सकते हो, z भी मान सकते हो, लेकिन q नहीं मान सकते क्योंकि लास्ट में जब अपन इसको सोल्व करते हुए चलेंगे तो एक द्विघात समीकरण बनेगा और उस द्विघात समीकरण को हम q से डिनोट कर देंगे। समझ में आई बात? तो देखिए यहाँ पे आप उसके बाद लिखोगे वी नो दैट पहले से ही हम जानते हैं, क्या जानते हैं, बाय द डेफिनेशन को मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूँ, डेफिनेशन ऑफ यूक्लिड EUCLID यूक्लिड डिवीजन मेथड, यूक्लिड डिवीजन मेथड क्या होता है, ए इक्वल्स टू BQ प्लस R, जहाँ R की जो वैल्यू होती है वो जीरो से छोटी या बराबर और B से
बड़ी। तो चलिए इसको मैं समीकरण नंबर एक दे देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए कि मैंने a इक्वल्स टू 4m प्लस 1 माना है और a इक्वल्स टू 4m प्लस 3 माना है। क्यों क्यों माना है? क्योंकि हमारे ये दो क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं जिनका हमें सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करने के बाद हमें ये सिद्ध करना है। चलिए स्टेप फर्स्ट या केस फर्स्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, केस फर्स्ट। बच्चों बोर्ड की कॉपी में भी काम ऐसे ही साफ सुथरा करना है, एकदम सीक्वेंस वाइज। चलिए केस फर्स्ट में क्या है हमारे पास, सबसे पहले a इक्वल्स टू 4m प्लस 1, समझ में आई बात। इसको मैं इक्वेशन दो दे देता हूँ और अब मैं कह रहा हूँ नाउ कंपेयर बिटवीन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड वी गेट, यानी कि समीकरण एक और दो की तुलना कीजिए और आगे इसका हल निकालिए। तो समीकरण एक और दो की तुलना से यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो मैं इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं उनकी मान लो कल को शिकायत आएगी कि सर आप हिंदी में ही पढ़ा रहे हो, तो मैं लिख दे रहा हूँ इंग्लिश में और बोल रहा हूँ हिंदी में, तो आप मैनेज करते हुए चलें। नाउ कंपेयर बिटवीन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, समीकरण एक और दो की तुलना करने पर हम पाते हैं क्या पाते हैं, a इक्वल्स टू 4m प्लस 1, क्योंकि हम इसको क्या लिख दिया है, इसको हमने क्या लिख दिया है, यूक्लिड मेथड से लिख दिया है। अब इसको समीकरण नंबर तीन देता हूँ मैं। अब आपको पता है कि क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है कि ऐसा विषम धन पूर्णांक जिनका वर्गों का योग, तो चलो भाई समीकरण तीन का वर्ग करते हैं, समीकरण तीन का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो नाउ टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, नाउ टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, चलिए इधर लिख दे रहा हूँ मैं, नाउ टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4m प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों अपन इसका स्क्वायर खोलते हैं, तो स्क्वायर खोलने का फॉर्मूला आपको पता होगा, ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब किसी बच्चे के मन में ये हो कि ये सर कैसे आया, तो आप वो भी देख लो एक बार। देखिए a प्लस बी की होल स्क्वायर, होल स्क्वायर होने का मतलब क्या है, होल स्क्वायर होने का मतलब ये है कि जो ये a प्लस बी है इसको मैं दो बार लिख सकता हूँ, ऐसे लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करना है, इस a का इस a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a इंटू a, इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, फिर इस a का इस b के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, a गुणा b, फिर किसका साइन है, प्लस का, फिर इस b का इस a के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि किसी भी एक ब्रैकेट के आप एलिमेंट उठा लो और उसको इससे मल्टीप्लाई करा दो, जो बीच में साइन है वो लगा दो, बाकी सोल्व कर लो, प्लस b का b से b गुणा b, बात समझ में आई। आप देखिए a गुणा a दोनों के क्या हैं, बेस इक्वल हैं, दोनों पे स्क्वायर कितनी है, 1 1, जब दोनों का बेस इक्वल होता है, जब किसी एलिमेंट या किसी भी वेरिएबल के बेस इक्वल होते हैं तो उनकी जो पावर होती है वो क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस, अब ये यहाँ पे क्या है, a इंटू बी, और ये क्या है, b इंटू a, तो ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि ए बी बराबर बी ए, भाई a गुणा बी बराबर बी गुणा ए, जैसे ये लिखा हुआ है। अब मेरे पास यू मान के चलो, आप दिख नहीं रहा होगा, आप यू मान के चलो कि जो
ए गुणा बी बराबर बी गुणा ए मैंने बराबर बताया है। क्यों बताया है? जैसे मेरे पास ए बराबर दो हो और बी बराबर चार हो, समझ में आई बात? रखो ए बराबर दो रखो, बी बराबर चार रखो, बी बराबर चार रखो, ए बराबर दो रखो, फोर टू ज़ा एट, फोर टू ज़ा एट। मैंने क्या कहा कि ए इंटू बी एंड बी इंटू ए आर इक्वल फॉर एवरी टाइम, यानी कि ए गुणा बी और बी गुणा ए हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बात समझ में आई होगी? तो चलिए ये क्या हो जाएगा फिर, ए बी प्लस ये क्या हो जाएगा, वन वन पावर, दोनों का बेस इक्वल, तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। इधर क्या आएगा? ए स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? ए बी दो ए बी प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। समझ में आई कि कैसे खोल ली है? तो ए स्क्वायर टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इक्वल्स टू फोर फोर ज़ा सिक्सटीन एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये ए है, ये बी है, यदि फोर एम स्क्वायर, फोर एम स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? फोर एम इंटू फोर एम, तो फोर फोर ज़ा सिक्सटीन एम एम, इस पर पावर एक, इस पर पावर एक, दोनों का बेस इक्वल, तो क्या हो जाएगा? सिक्सटीन एम स्क्वायर प्लस आठ एम प्लस वन। बात समझ में आई यहाँ तक? उसके बाद क्या करते हैं, ए स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखिए देखने वाली बात यही है मैन, कि ये जो अपने पास 16m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 1 आया है, इसको हमें इस रूप में लिखना है, यही तो सिद्ध करवाया है। तो देखिए 16m स्क्वायर और 8m, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है बाहर? इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 8m कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा? 8m कॉमन आ रहा है, तो अपन 8m कॉमन ना लेते, ओनली 8 कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो ये क्या बचेगा? 2m स्क्वायर प्लस एम प्लस वन। अब देखिए जो मैंने क्या कहा था कि लास्ट में एक द्विघात समीकरण बनेगा जिसमें दो वेरिएबल होंगे, उसको हम q के इक्वल मान लेंगे, ए स्क्वायर एट, इसको मैंने क्या करा, q मान लिया, तो ये क्या होगा? एट क्यू प्लस वन, जो हमसे प्रूव करवाया था वो आ गया। चलिए अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ कि क्या क्या प्रॉपर्टी हमें यूज़ की है, साथ के साथ उतारते हुए चलें या पहले समझ लें उसके बाद वीडियो को पॉज करके उतार लें। तो चलिए देखते हैं हमने क्या क्या यूज़ करा है यहाँ पे, ए प्लस बी की होल स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी यूज़ करी है ना, शाबाश। और क्या करा है? और हमने क्या करा है, 2m स्क्वायर प्लस m को हमने क्या माना है? q माना है, ठीक है। तो यह अपना आ गया समीकरण नंबर 4। भाई एक चीज़ तो आ गई कि हमने जो धन पूर्णांक 4m प्लस 1 माना था और उसका वर्ग किया तो वो 8q प्लस 1 के इक्वल आ गया। इसी प्रकार अपन दूसरा धन पूर्णांक लेंगे तो वो मैं यही कर रहा हूँ, के सेकंड में यही कर रहा हूँ भाई, देख लेना। तो के सेकंड देखिए, के सेकंड क्या कह रहा है, इक्वल्स टू क्या है फिर, इक्वल्स टू क्या है? 4m प्लस 3। भाई 4m प्लस 3 ये विषम धन पूर्णांक की तो है, यदि मैं m की जगह 1 2 3 5 10 15 20 25 जितने भी रखूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे 10 रख दिया, m की जगह 10 रख दिया, बात समझो, तो ये क्या हो जाएगा? 10 4 14 प्लस 3 43 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, 43 क्या है? ओड नंबर ही तो है, इवन नंबर थोड़ी ना है, तो 43 क्या है? ओड नंबर है। तो चलिए साफ़ देखते हैं, हम सेम इसी तरह करना है, तो ये क्या हो जाएगा फिर, a इक्वल्स टू, तो मैं यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4m प्लस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 4 4 जा 16 प्लस
एट एम प्लस नाइन। बात समझ में आई, बात समझ में आई कि नहीं आई? 16m स्क्वायर प्लस एट एम प्लस नाइन, एट एम नहीं होगा, ये हो जाएगा 24m। कैसे? a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, रखिए a स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि 4m स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई में ए बी, ए कितना 4m, बी कितना 3, प्लस 3 का स्क्वायर, 3 जा 9, तो 16m स्क्वायर प्लस 4 दुनी 8 थी है 24m प्लस 9 आ गया। अब देखिए, अब देखिए हमें इसको किस रूप में लिखना है। अब इसको हमें इस रूप में लिखना है, बात समझ में आई? तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है बाहर, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है बाहर, देखिए इसमें से कोई कॉमन नहीं आ रहा। तो इसको हम थोड़ा सा सेट करेंगे, सेट कैसे करेंगे देखना। ए स्क्वायर इक्वल्स टू 16m स्क्वायर प्लस 24m प्लस, यदि मैं इस 9 को एट प्लस 1 लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। यदि मैं इसको इस 9 को एट प्लस 1 के रूप में लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, क्योंकि ये है तो 9 ही। अब देखिए यहाँ पे इन तीनों में से एट है वो कॉमन आ रहा है, तो देखिए ए स्क्वायर एट मैंने बाहर ले लिया, ये क्या बचेगा 2m स्क्वायर प्लस ये क्या बचेगा 3m, क्या बचेगा 3m प्लस 1। इसको मैंने, इसका क्या करना है, इसको लेट कर लेना है, ये क्यों लेट हो जाएगा, तो अपना बचेगा क्या फिर, अपना क्या बचेगा फाइनली ए स्क्वायर इक्वल्स टू एट क्यू प्लस 1, ये अपना क्या हो गया दूसरा आ गया। तो अब हम कह सकते हैं ना कि भाई किसी भी दो विषम धन पूर्णांक का यदि हम स्क्वायर करें तो वो एट क्यू प्लस 1 जैसे होते हैं। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको यदि ये क्वेश्चन मिलेगा बोर्ड में तो आपको ये 2 या 3 नंबर का मिलेगा, हो सकता है कि ये 2 नंबर में भी मिले, क्योंकि एग्जामिनर चाहेगा कि एक चैप्टर में से 2 क्वेश्चन, तो एक न्यू टाइप आ जाएगा 1 नंबर का, सीधा SCA पूछ लेगा, और एक क्वेश्चन ये डाल देगा 2 नंबर का। तो इस टाइप के आपके स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि वो आप अच्छे से कर पाएंगे। अब चलिए आगे देखते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ। इसको यहाँ तक करने के बाद एक लाइन लिखनी है छोटी सी, इसको यहाँ तक करने के बाद लिखना क्या है, देन ये क्या लिख देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं 5, देन इक्वेशन 4 and 5 वी सी दैट, we see that the positive integer, odd positive integer, जो हमने 2 positive integer लिए थे वो क्या थे, 4m plus 1 and 4m plus 3 आर 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 टू पॉजिटिव इंटीजर्स,
हैंस प्रूव इति सिदम, इति सिदम। कहने का मतलब क्या है, इंग्लिश मीडियम वाले तो ये लिख लेंगे, हिंदी मीडियम वाले में क्या करेंगे कि जो हमने दो विषम धन पूर्णांक लिए थे 4m+1 और 4m+3 वो एट q+1 टाइप के होते हैं, इति सिदम। चलिए आपका एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है, इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि उतार लिया होगा और उम्मीद ये भी करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। यदि फिर भी कोई क्यूरी रहे या फिर भी कोई मिस्टेक रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, कभी भी आपके कमेंट का आंसर तुरंत दिया जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप जब भी कमेंट डालोगे तो आपके कमेंट का आंसर ज़रूर दिया जाएगा। और देखते हैं अब आगे, और यदि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं भी हो पाए तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को बता सकते हैं कि सर इतने इतने नंबर का क्वेश्चन है इतने चैप्टर में से। चलिए चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलो एक और करवा देते हैं हम इससे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम धन पूर्णांक संख्या को, सेम वही क्वेश्चन है। अब की बार क्या कह रहा है कि कोई भी ऐसे पॉजिटिव इंटीजर हैं जो उनको 6q+1, 6q+3, 6q+1, 6q+3 तथा 6q+5 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां q क्या है, जहां हियर q इज पॉजिटिव इंटीजर, q इज पॉजिटिव इंटीजर। तो सॉल्यूशन देखिए क्या है इसका, दो और भी शॉर्टेज सॉल्यूशन है, क्योंकि अब की बार ये तो कही नहीं रहा कि भाई स्क्वायर करना है या वर्ग करना है, क्यूब करनी है, कुछ करना ही नहीं है, सीधा क्या करना है, वी नो दैट, वी नो दैट, क्या वी नो दैट, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 0 <r> b, बात समझ में आई, 0 <r> b, ये इसकी कंडीशन होती है, ये एग्ज़ाम में आपको लिखनी है, इसके बिना ये क्वेश्चन अधूरा है, समझ में आई बात। अब देखिए जो हमें दे रखा है a इक्वल्स टू 6q+1, a इक्वल्स टू 6q+3, a इक्वल्स टू 6q+5। अब बच्चों यहाँ पे देखिए गौर से, इक्वेशन नंबर 1 और ये जो हमें 3 चीज़ें दे रखी हैं इनमें यदि हम कंपेयर करें, इसमें यदि हम कंपेयर करें, ये इक्वेशन 2 मान लेता हूँ मैं पूरी, और यहाँ पे लिख देता हूँ नाउ कंपेयर बिटवीन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए कंपेयर कीजिए, कंपेयर करोगे तो आपको a इक्वल्स टू a मिलेगा, b सभी में क्या है, सेम, b सभी में क्या है, सेम है। कंपेयर करने का मतलब क्या होता है आपको ये देखिए, कंपेयर करने का मतलब क्या है, यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि आप यदि एक और दो का कंपेयर करोगे तो a इक्वल्स टू a है भाई, इसमें a है तो इसमें भी a है। दूसरी बात, इसमें b q इक्वल्स टू क्या है, 6q है भाई, इस वाले इक्वेशन में BQ है तो इस वाले में क्या है, 1 है कि नहीं है। और इस तीसरी बात, R इक्वल्स टू क्या है, फिर 1 है, 3 है और 5 है, बात समझ में आई क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। चलिए इस बात को हम समझते हैं, यदि मैं यहाँ से B की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या होगा, यदि मैं यहाँ से
बी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, बी इक्वल्स टू ये क्यू इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बचेगा, सिक्स क्यू अपॉन क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल, बी इक्वल्स टू क्या आएगा, सिक्स। बात यहाँ तक समझ आई? चलो चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। अब जो ये वैल्यू है हमारे पास आर की और बी की, वो इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट में रखते हैं। तो ए इक्वल्स टू सिक्स क्यू प्लस, यहाँ पे एक बार आर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है, ज़ीरो लेस देन आर लेस देन बी की वैल्यू कितनी है, सिक्स। कहने का मतलब क्या है कि आर की वैल्यू है वो अब कहाँ से कहाँ तक रहेंगी, एक से पाँच तक, एक तीन पाँच। तो देखिए आर बराबर एक, नाउ पुट आर इक्वल्स टू वन, आर इक्वल्स टू वन रखो, ए इक्वल्स टू सिक्स क्यू प्लस वन, यहाँ पे ज़ीरो लेस देन आर लेस देन इक्वल सिक्स। इसी तो एक तो ये संख्या आ गई जो हमें सिद्ध करनी थी। उसी प्रकार देखिए, नाउ पुट आर इक्वल्स टू थ्री, देन क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू सिक्स क्यू प्लस थ्री, ज़ीरो लेस देन आर लेस देन सिक्स। दूसरी ये हो गई जो हमें सिद्ध करनी थी। और तीसरी क्या हो जाएगी, सिमिलरली वी हैव आर इक्वल्स टू फाइव, आर इक्वल्स टू फाइव करते हैं क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू सिक्स क्यू प्लस फाइव, ज़ीरो लेस देन इक्वल आर लेस देन इक्वल सिक्स। समझ में आई बात? तो अब क्या हो गया, हम कह सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव ओड नंबर सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस थ्री और सिक्स क्यू प्लस फाइव जैसा हो सकता है। हैंस प्रूव को एच पी भी लिखते हैं, इति सिदम। देखिए मैंने एक्सरसाइज 2.1 में आपको दो क्वेश्चन करवा दिए हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट भी हैं, इसमें से आपको पूछा भी जा सकता है। एक क्वेश्चन तो आप यूँ मान के चलिए कि SCF आपको एक नंबर में ज़रूर पूछेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आपने उतार भी लिया होगा। चलिए आज 2.1 अपनी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें एक क्वेश्चन और है जो शायद आपसे नहीं हो पाएगा, वो मैं बता देता हूँ। वेट कीजिए एक मिनट। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर है, उसमें आपको यूक्लिड मेथड से SCF फाइंड आउट करना है। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं होगा वो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैंने चलिए बच्चों अगला नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट इस चैप्टर में ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि और हार्ड ऐसे कोई क्वेश्चन होगा जो आपको नहीं आएगा। तो इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है मुझे मोस्ट भी लग रहा है अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, SCF फाइंड आउट करना है। तो मैंने लिख दिया इधर, नाउ यूजिंग यूक्लिड डिवीजन मेथड बाय एल्गोरिथम। तो देखिए स्टेप फर्स्ट में क्या है, सबसे पहले क्या करोगे कि 1032 इज़ ग्रेटर देन 408, तो इसमें लगाओ ए की वैल्यू 103 ये होगी, 408 का इसमें डिवाइड करते हैं, 1032 में 408 का डिवाइड करोगे दो बार जाएगा, तो 408 इंटू टू प्लस शेषफल क्या बचेगा करके देख लो, 8 दुनी 16 एक, 4 दुनी 8 816 सिक्स बचा, देखिए सिक्स बचेगा वन बचेगा यानी कि 216 बच जाएगा। नेक्स्ट क्या है स्टेप सेकंड
स्टेप सेकंड देखते हैं, अब की बार ए की वैल्यू क्या है 408, तो 408 इज ग्रेटर देन 216, देन 408 इक्वल्स टू 408 में इसका भाग देना है, इसका एक बार जाएगा तो क्या करेंगे 216 इंटू 1 प्लस 192 बच जाएगा। फिर स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में क्या है अब 216 ग्रेटर देन 192, तो ये क्या जाएगा 216 इक्वल्स टू 192 एक बार बचेगा प्लस 192 इंटू 1 प्लस 24 बचेगा जब डिवाइड करोगे, समझ में आई बात। अब आगे देखते हैं, स्टेप फोर्थ अब की बार ए की वैल्यू क्या है 192 इज ग्रेटर देन 24, देन 192 इक्वल्स टू 24 इंटू 8 प्लस 0। देखिए यहाँ पे क्या है, आर नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि जो रिमाइंडर है वो नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ पे भी स्टेप सेकंड में भी रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है, स्टेप थर्ड में भी रिमाइंडर क्या है नॉट इक्वल टू 0 है, और हमें ये प्रोसेस तब तक दोहराना है, तब तक लगाना है कि जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाए। तो देखिए यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया 0, तो अपना एस सी एफ क्या हो गया, अब एस सी एफ जब रिमाइंडर 0 होता है, जिस पॉइंट से 0 होता है या जिस पॉइंट का डिविजिबल पूरा पूरा होता है वो उसका रिमाइंडर होता है, तो डिविजिबल क्या है 24, तो एस सी एफ क्या हो जाएगा फिर 24। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि ये जो 24 है एस सी एफ ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो देखिए यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, 24 इक्वल टू 1032 एक्स माइनस, जब 408 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2040 आएगा, जब इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2064 इक्वल टू 1032 एक्स, जब x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो 2064 अपॉन 32 दो बार कटेगा पूरा पूरा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो देखिए उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा, तो अपना चैप्टर नंबर 2.1 हो चुका है आप आज, तो चैप्टर नंबर 2.1 कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 2.1 हम कल डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, यदि पसंद आया हुआ है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, भी अपने साथ वाले बच्चों को भी शेयर करें कि भाई सर वो पढ़ा रहे हैं अपने, क्योंकि अभी आपको पता है कि लॉकडाउन लग रहा है, स्कूलें तो बंद हैं, और आप ऐसे में अपने घर बैठ के पढ़ाई करें, अपना लॉस ना करें, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम तो आपको पता ही है कि मार्च में होनी है, 10 या 11 मार्च से 10वीं क्लास की जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाती हैं, तो इसलिए घर रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।